बिशनपुर प्रखंड के पानी गांव चोरापाट के राजकीय अनुसूचित जनजाति बालिका मध्य विद्यालय में दिनांक 16 जनवरी 2023 को अंचल अधिकारी सीओ साहब के आदेश अनुसार हमटी पानी बॉक्साइट माइंस एमएस विशाल माइनिंग कॉरपोरेशन के तरफ से माइंस टॉप सत्यनारायण प्रसाद, गोलू मिश्रा, संतोष कुमार के द्वारा एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकगण की उपस्थिति में विद्यालय के बच्चे को कंबल वितरण किया गया तथा गोलू मिश्रा के द्वारा विद्यालय के नाइट गार्ड के द्वारा विद्यालय भवन की मरम्मत नहीं होने से अनहोनी बातों का उजागर किया गया तथा गोलू मिश्रा के द्वारा जीएम भारत को ये न्यूज बतलाई गई कि विद्यालय भवन की स्थिति बहुत खराब के विषय में अंदेशा लगने लगी है। जानकारी के अनुसार विद्यालय भवन की वर्षों से मरम्मत नहीं होने से भवन की दीवारों से प्लास्टर गिरने लगा है। इससे विद्यालय प्रबंधन को अनहोनी का डर रहता है। विद्यालय की छत बारिश के दौरान टपकती रहती है, इसके चलते विद्यालय के रिकॉर्ड सहित फर्नीचर भी भीगने लगते हैं। इसके चलते विद्यालय भवन को मरम्मत की दरकार है। यदि विद्यालय भवन की मरम्मत नहीं कराई गई तो कभी भी बड़ा हादसा घटित होने से कोई रोक नहीं सकता। विद्यालय की मरम्मत करवाने के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत करवाकर समस्या का निराकरण किया जाए। विद्यालय भवन की मरम्मत के लिए प्रधान अध्यापक के द्वारा भी कई बार शिकायत करने के बाद भी विद्यालय की स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ तो समझ जो सुविधा था वो सुविधा तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ ना बाथरूम है, पर वहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है। पहले जब बना तो सेंटेक्स लगा दिया खाली, इसका पानी उपयोग भी नहीं हुआ। तो क्या आपको आप लोग उसका ये क्या बोलते हैं विभाग को नहीं बोले? विभाग को लीक करके दिया गया है, लीक करके दिया गया है, लेकिन विभाग चुप्पी साधी हुई है। तो और पानी वगैरह का यहाँ क्या स्थिति है? पानी तो सब बच्चे बाहर जा कर के लाती है, अपना पीने के लिए, खाना पकाने के लिए भी सपोर्ट करती है। पानी नहीं है यहाँ पे, लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं है आप लोगों के पास? बाथरूम है पर उसका व्यवस्था पानी नहीं है। लाइट का क्या? बिल्कुल नहीं है, लाइट भी नहीं है। नहीं, यहाँ सोलर लगा दिया है, उसका बैटरी जब बैठा उसके बाद मौसी रखा हुआ है। कोई यूज नहीं, अपना लैंप या तो अपना टॉर्च से अपना काम चलाते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।